ये तस्वीरें हैं बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 31 की। संत कबीर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला का 3 फरवरी को निधन हुआ, जिसके बाद उसकी 4 बेटियों ने उसकी अर्थी को कंधा देकर शमशान में जाकर हिंदू रीति रिवाज से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इस संस्कार की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल इस परिवार की कहानी बेहद दर्द भरी है। पद्मा नामक महिला ने अपनी 4 बेटियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए जी जान लगा दी। दूसरी तरफ उसका क्रूर पति उस पर और उसकी बेटियों पर अत्याचार करता रहा और 2 साल पहले उन्हें छोड़कर कहीं चला गया, जिसके बावजूद पद्मा ने हार नहीं मानी और अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखा। लेकिन अब वह जिंदगी की जंग हार गई, जिसके बाद देखिए उसकी बेटियां अपने बाप को जल्लाद की संज्ञा दे रही हैं। उनकी ही जुबानी सुनिए उनकी दर्दनाक दास्तां। हम बचपन से ही देखते आ रहे थे कि जो मेरे पापा थे ना, वो मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह से मारते थे। कोई रीज़न नहीं होता था, वो छोटी छोटी बातों पे ऐसे मारने पीटने लग जाते थे मम्मी को। और फिर मारने पीटने के बाद है ना, ये भी नहीं देखते थे कहाँ पे चोट लगी, कहाँ पे नहीं, खून निकल रहे हैं, मम्मी बेहोश पड़ी हुई है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछना उन्हें, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, यहाँ आस पड़ोस में से आके यही सब संभालते थे। वो इतना जल्लाद और राक्षस किस्म का इंसान था, अगर मेरे दादा दादाजी उनको कुछ बोलते थे ना, तो वो उनको भी मारने पीटने लग जाता था। धीरे धीरे हम बड़े हुए, वो जब इंसान था यहाँ पे तब भी उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हमारी पढ़ाई लिखाई उसे ये तक याद नहीं है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम कौन कौन सी क्लास में थे, ये हमने क्या क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं। पहले मम्मी यहाँ पे रहती थी तो घर पे तो सिलाई करती थी दिन रात, हमें पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना सब कुछ मम्मी ही करती थी हमारे लिए। वो सिर्फ अपने लिए करता था, कुछ भी लेके आता तो खुद के लिए होता था। मम्मी को बोल देता था कि ना बच्चों को बोल देना कि मेरी चीज़ को हाथ ना लगाए, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो आपकी मम्मी की डेथ कैसे हुई? वही मार पिटाई की वजह से। मम्मी को वही सारी चीज़ों की टेंशन रहने लगी कि 4 बेटियां, उनकी पढ़ाई लिखाई मैं कैसे कराऊंगी, घर पे अच्छे से कोई। क्यों आपके पिताजी कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते थे। वो पहले ड्राइवरी करते थे तो सिर्फ वो अपने लिए करते थे, कुछ भी लेके आना उन्हें खाने पीने के लिए तो वो अपने ही लिए लेके आते थे। हम बीमार पड़ भी जाते थे तो वो ये कहते थे कि यहाँ पे ना तुम्हें फल फ्रूट नहीं मिलेंगे, उठ जाओ, उठ के और अपना काम करने लग जाओ। वो कभी दवाई तक नहीं थी लाके लाए। सारी आज तक की केयर जितनी भी की ना मेरी मम्मी ने की, पहले घर पे सिलाई की, बाद में उसके बाद कंपनी में जाने लगी मम्मी, वहाँ पे जॉब की मम्मी ने, वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। घर का खर्च कैसे चलता था? पहले मम्मी चलाती थी सारा घर का खर्चा, उसके बाद जैसे जैसे मेरी 12th हो गई कंप्लीट, फिर और खर्चे बढ़ने लगे क्योंकि छोटी बहनें थी उनकी भी पढ़ाई थी। फिर मम्मी ने कहा कि तू अभी मतलब कोई और आगे पढ़ाई ना करके थोड़े दिन काम कर ले। फिर मैं भी मम्मी के साथ जॉब पे जाने लगी। हालांकि इससे पहले भी कई जगह बेटियां अपने परिजनों को अर्थी को कंधा देते देखी गई हैं, लेकिन इन बेटियों की कहानी बेहद दर्दनाक है। इनका एकमात्र सहारा इनकी मां भी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार से भी ये मदद की गुहार लगा रही हैं। चारों बेटियां सुशील, शालू, सुमन और प्रिया अब सरकारी मदद की आस में हैं। बहादुरगढ़ से जगदीप राजान, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।